हेलो फ्रेंड्स, आई एम विद यू भुवनेश चंद माथुर। आई वेलकम ऑल आरएएस एस्पिरेंट्स, दोज हु आर अपीयरिंग फॉर आरएएस मेंस, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आरएएस प्री एंड दोज हु आर एस्पायरिंग फॉर आरएएस। ओके, आज मैं आपको थोड़ा सा न्यूज़पेपर से आज की जो 2 दिसंबर की तारीख के दैनिक भास्कर से कुछ चीज़ मैंने आपके लिए निकाली है, मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। यू सी, कई चीज़ें हमारी पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट इकोनॉमिक सिनेरियो, इनसे जुड़ी हुई होती हैं। गवर्नमेंट के कई काम ऑटोमेटिकली कई बार सोसाइटी, कल्चर, इन चीज़ों से अटैच होती है। तो इन दिस सेक्शन यू कैन नॉट डिपार्टमेंटलाइज के नहीं ये इस बात का है, ये पॉलिटिकल साइंस है, ये इकोनॉमिक्स है, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। स्पेशली द न्यूज फ्रॉम न्यूज पेपर्स इज इंटर रिलेटेड फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स, कई जगह से जुड़ी हुई है। दूसरी चीज ये होती है, मैनी डिपार्टमेंट्स आर वर्किंग बट दे आर वर्किंग अंडर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। तो इस एंगल से हमको आंसर लिखने में इन सब चीज़ों का फायदा मिलेगा। मालूम नहीं हमें, हम आज जो तैयारी कर रहे हैं, वेयर टू यूज दैट इंफॉर्मेशन, आज नहीं हम कह सकते। हम अगर मान लीजिए कोई इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन मेन में आ गया, मेंस आरएएस मेंस में आ गया, सो प्रोबेबली हो सकता है कि ये इंफॉर्मेशन वहां बहुत काम की हो सकता है कि कोई बात आज डिस्कशन चल रहा है वीडियो में और वो आपके आरएएस प्री में या जो भी, फॉर एग्जांपल अभी आरपीएससी ने निकाली है असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, उसमें भी राजस्थान आ रहा है। नो वन कैन से, हम आप में से कुछ लोग अगर अपीयर हो रहे हैं तो दीज थिंग्स यू शुड बी ओपन फॉर ऑल दीज थिंग्स। राजस्थान एग्रीकल्चर सिनेरियो का वीडियो हम कर रहे हैं, कंटिन्यू है। ये बीच में मैं आपके लिए कुछ बातें लेके आया हूँ। आई वॉन्ट टू हाईलाइटर ऑल दीज थिंग्स। देखिए किस नाम से ये प्रोग्राम है, इन्वेस्ट राजस्थान। अब की क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इन्वेस्ट अजमेर नाम से एक प्रोग्राम आया है। उसमें क्या होगा, एटलीस्ट ये सब बातें हमको थोड़ी थोड़ी हमारे बाय हार्ट कर लेनी चाहिए। इसमें 150 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होंगे, यानी यहां के जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और बाहर के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, स्पेशली इसमें फोकस हमारा गुजरात पर ज्यादा है थोड़ा सा, और दूसरी स्टेट्स में भी है, आगे हम बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट का अंदाज लगाया जा रहा है अराउंड 600 और मोर इवन हो सकता है। ऑल दीज थिंग्स वेरी, अंदाज है 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट राजस्थान को मिलेगा, और उसमें भी कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिनमें ऑलरेडी अजमेर थोड़ा सा ठीक है। वैसे मैं आपको बताऊं, इंडस्ट्रियली राजस्थान इज अ वीकर स्टेट। सर्विस सेक्टर में हमारी कंडीशन फिर भी थोड़ी ठीक है, एग्रीकल्चर में भी थोड़ी ठीक है, बट एज फार एज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, अगर उसका रेशियो आप जीडीपी में लगाएंगे तो थोड़ा कम आता है, कोई बात नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट इसमें क्या होगा हमारे लिए, मार्बल इंडस्ट्रीज, मार्बल में भी बहुत सी चीज़ें होती है, फूड प्रोसेसिंग स्पेशली। अब फूड में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे आई विल अनफर्ल ऑल दीज वीडियोज आपके सामने आते रहेंगे, तो ये सारी बातें जो मैं आज आपके पॉइंट आउट कर रहा हूँ आई विल बी क्लियरिंग। इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, जैसे अजमेर है, अजमेर से ब्यावर के बीच में, अजमेर से किशनगढ़ के, आज एक केस स्टडी कर रहे हैं हम अजमेर की, तो प्लीज़ बी विद मी, ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दी थिंग्स। इंजीनियरिंग पार्ट, छोटे छोटे पार्ट्स अजमेर में बहुत बनते हैं। अजमेर मीन्स सिटी प्लस पेरिफेरीज, तो पूरे अजमेर डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। मे बी वन इंडस्ट्री, मे बी इन केकड़ी, मे बी मैनी इन विजयनगर, मे बी इन किशनगढ़, मे बी इन ब्यावर, तो ये पूरे टोटो जो एरिया है हमारा डिस्ट्रिक्ट, अजमेर डिस्ट्रिक्ट, उसमें जहाँ जहाँ भी अपॉर्चुनिटी है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। देन अब एज यू नो अजमेर इज अ टूरिस्ट प्लेस, तो यह टूरिज्म को हम बढ़ा सकते हैं, लाइक पुष्कर, लाइक सरवाड़, लाइक किशनगढ़,
तो ऑल दीज थिंग्स इम्प्लाइड टुगेदर, ये सब मिल के चल रही हैं। टूरिज्म से क्या होगा, बहुत ही कम या जीरो इन्वेस्टमेंट पे मैनी पीपल विल फाइंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन होटल्स, टैक्सी, फूड। तो ये देखिए, कहने का मतलब मेरा ये है, सॉरी, ये आज की न्यूज़ हमको क्या एजुकेट कर रही है, व्हाट वी आर गेटिंग, वी हैव टू थिंक इट अक्रॉस, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा कि टूरिज्म में भी आपको एम्प्लॉयमेंट आप जनरेट कर सकते हैं। यू कैन राइट वेदर इट इज, अगेन आई विल से, अगर ऐसे लिखने को आ गया इंग्लिश में तो भी ये सारी इंफॉर्मेशन, या हिंदी में भी आ गया तो भी सारी इंफॉर्मेशन। इफ वी आर डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स आर वेरी मच यूजफुल इन टोटेलिटी आई से। तो टूरिज्म हो गया, प्लस मेडिकल इज ऑल्सो वेरी गुड, इंडस्ट्रीज आर माइनर और मेजर इंडस्ट्रीज व्हाट्स एवर दे आर इम्पॉर्टेंट हैं, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, बहुत ज़रूरत है, स्टार्टअप्स को जगह मिल सकती है इन सर्विस सेक्टर, मे बी सम एंटरप्रेन्योर्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स मे कम अप, तो उनको भी फंडिंग मिल जाएगी। इसमें 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने की संभावना, और मे बी मोर, 600 करोड़ कम इमेजिन कर रहे हैं, आ सकता है और भी ज़्यादा। ये ज़्यादातर उन एंटरप्रेन्योर्स को अभी इसमें फ़ायदा मिलेगा जिन्होंने पहले ही लैंड अलॉट करवा ली थी, उनको प्रायोरिटी पे इसमें फंडिंग का फायदा मिलेगा। जिनके पास लैंड है तो दे कैन क्विकली स्टार्ट द वेंचर, ऐसी बात है। कोशिश ये है इन्वेस्टर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री आए, और कोई अब्रॉड है राजस्थानी तो वो भी वेलकम है। अभी और मैं इसमें आपको बताऊंगा, कुछ एक इंडस्ट्रीज ऐसी भी हैं जैसे एडहेसिव इंडस्ट्री, कुछ चिपकाने वाला आइटम है, कास्टिंग इंडस्ट्रीज, ऐसी छोटी मशीनरीज जो कि प्रोसेसिंग में काम आती है, कास्टिंग इंडस्ट्रीज प्रोबेबली उसमें हेल्प करती है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर 150 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो रहे हैं, 600 करोड़ रुपया आपके पास आ रहे हैं, इस स्टेट में आ रहा है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोई भी हो, एम्प्लॉयमेंट राजस्थानीज आर गेटिंग, वी आर गेटिंग। और एक हम रॉ मटेरियल सप्लायर हैं, उनसे भी वी कैन हैव अ डील कि हम आपको ये प्रोडक्ट भेजेंगे सेमी फिनिश्ड, ऐसे भी आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन दिस डेजर्ट स्टेट वन कैन थिंक एंड डेवलप। देखिए, समय के साथ साथ सारा चेंज हो रहा है और होना पड़ेगा। ओके, अब एक टर्म आएगा NRR, नॉन रेजिडेंट राजस्थानी। देखिए, राजस्थान इज नोन फॉर बिजनेस लाइक पीपल, व्यापारी वर्ग के लिए राजस्थान अक्रॉस द वर्ल्ड जाना पहचाना जाता है, आपको पता ही है। तो जो राजस्थानी एंटरप्रेन्योर्स और जो इंडस्ट्रियलिस्ट और आई विल से कैपिटलिस्ट, दोज हु आर लिविंग आउटसाइड राजस्थान, उनका वेलकम, उनका इसमें स्वागत किया जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैव कॉन्टेक्टेड देम ऑन सोशल मीडिया, टेलीफोनिकली, व्हाट्सएप एंड ईमेल ऑल्सो। तो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को हमने इसमें बुलाया है, हमारी राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ने, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, ईमेल से इन्विटेशंस गए हैं, सोशल मीडिया की मदद ली गई है इसमें। और इसके बाद अब क्या स्टेप होगा, अ टीम ऑफ ऑफिसर्स विल गो टू गुजरात, मोरबी, MORVI भी बोलते हैं, MORBI भी बोला जाता है, जो भी है। तो वहाँ जाके सारा मीटिंग्स वगैरह होंगी, द इंडस्ट्रियलिस्ट हु कैन हेल्प अस, जैसे बहुत हमारे पास रॉ मटेरियल है तो कैन वी प्रोड्यूस समथिंग फॉर देम, सेमी फिनिश हम उनको बना के दे दें, तो हमारे इधर भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, फैक्ट्रीज, एस्टेब्लिशमेंट्स, ये सब आएगा और उनको सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो वो उसको फिनिशिंग करके आगे दे कैन प्रोसेस, ऐसा विचार किया जा रहा है। इस बात का 24 जनवरी को जयपुर में मीटिंग भी प्लान है। तो देखिए, बहुत कम समय है ये, तकरीबन कितना भी देख लीजिए अब ये स्टार्ट होने वाला है, मतलब बात ये है। अब देखिए, थोड़ा सा अजमेर डिस्ट्रिक्ट का हम केस स्टडी आज डिस्कस कर रहे हैं। अजमेर क्या सप्लाई करता है, रॉ मटेरियल टू मैनी इंडस्ट्रीज, टाइल्स की इंडस्ट्री को अजमेर से बहुत सामान जाता है, मोरबी गुजरात में, लाइक वहाँ पे सैनिटरी प्रोडक्ट्स बहुत बनते हैं, टाइल्स बनते हैं, तो उनमें जो काम आता है रॉ मटेरियल, अजमेर का इसमें बहुत अच्छा रोल है। अब देखें जरा
और डीपली के हमारा ब्यावर और किशनगढ़ में क्या क्या अभी क्या क्या फैक्ट्रीज और या इंडस्ट्रीज काम कर रहे हैं, लेट अस डिस्कस। जैसे मशीन मेकिंग का काम यहाँ पे ज़्यादा है, प्रिंटिंग लाइक रजिस्टर्स दे मैन्युफैक्चर, बुक्स दे मैन्युफैक्चर, फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग कई तरह की है। हम इसको एक केवल ये नहीं कि गेहूं पीस कर आटा बनाया या अचार पापड़, ऐसा नहीं है। मतलब देयर आर मैनी थिंग्स फूड प्रोसेसिंग में प्लान की जा सकती हैं। इफ़ यू टेक किशनगढ़ अलोन, किशनगढ़ इज नोन फॉर गैंग्स ऑफ मोर देन 350 यूनिट्स आर वर्किंग, मोर देन 400 पावर लूम्स आर वर्किंग। तो देखिए, हमने ये इंडस्ट्रियल सिनेरियो, इकोनॉमिक सिनेरियो, पॉलिसीज ऑफ आवर गवर्नमेंट और इन्वेस्टमेंट बिजनेस, ये सारा डिस्कस किया है। तो ऑल दिस थिंग्स वी शुड बी अवेयर। आपको मालूम भी होगा, मैं ये नहीं कह रहा, बट वी शुड डिस्कस इन दिस मैनर वाइल राइटिंग आंसर्स। दिस इज वॉट आई वॉन्ट आउट ऑफ यू टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन। ब्यावर में अगर आप देखेंगे तो 800 के आसपास छोटी और बड़ी फैक्ट्रीज मझोले साइज की लगी हुई हैं। दे आर बिजी इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, मिनरल्स। तो ये सारा सीन हमारे सामने ये डेवलप होता है। तो माई डियर फ्रेंड्स, वी शुड यूटिलाइज ऑल दिस इंफॉर्मेशन पॉजिटिवली। तो ये मैंने आपको सारा NRR नॉन रेजिडेंट राजस्थानी से इन्वेस्टर्स से जो हमारा अभी तक हुआ है, इस प्रोग्राम के बारे में हमने बात की है। और इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट, अराउंड 600 करोड़ वर्थ इन्वेस्टमेंट इज कमिंग टू दिस प्लेस अजमेर डिस्ट्रिक्ट। ओके, देन वी स्विच ऑन टू, हम जो इससे पहले वाले वीडियो में हम कनेक्ट हो जाते हैं वापस से, राजस्थान का एग्रीकल्चर का जो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ अब तक हुई थी मैंने आपको बताई थी, हम सारी बातें कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने तिवरी जोधपुर में फूड प्रोसेसिंग पार्क की बात करके क्लोज किया था। आइए वहीं से हम कनेक्ट करते हैं इसको। चिकित्सकीय पौधे यानी मेडिसिनल प्लांट्स, और दूसरा नाम आप कह सकते हो हर्बल प्लांट्स का भी यहाँ पे राजस्थान में बहुत अच्छा स्कोप है। जैसे जड़ी बूटी की जो है खेती को प्रोत्साहन देने का भी गवर्नमेंट का, राजस्थान गवर्नमेंट का प्लान है। क्यों है ऐसा? बहुत सी, मैं आपको थोड़ा इसका बैकग्राउंड, 2 मिनट लगेंगे मुझे। हर्बल प्रोडक्ट्स आप जानते ही हैं, आयुर्वेद इज ऑन द राइज, आयुर्वेदिक कंपनीज को बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तो कई पौधे हमारे यहाँ होते हैं राजस्थान में, और हमारी क्लाइमेट अलाउ करती है, तो दे आर वेरी कॉस्टली। और उनको दूसरा क्या है, वो ड्राई फार्मिंग मेथड से हो भी जाएंगे। तो वी आर वेरी लकी टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी। तो ये हमको एक अवसर मिला। इसके अंदर गवर्नमेंट ने फिर ये किया कि चिकित्सकीय पौधे, हर्बल पौधों को भी प्रमोट करना शुरू किया। ओके, तो इसमें क्या क्या, मैं आपको बताऊँ, फार्मर्स को ट्रेनिंग भी दी गई है कि मोर देन 700 फार्मर्स हैव बीन ट्रेन। उनको ट्रेनिंग दी गई है कि ये वाले आप प्लांट्स लगाइए, एग्रीकल्चरल टेक्निक उनको सिखाई गई है, एक अलग से बोर्ड भी बनाया गया है। तो ये इतना काम इसमें हुआ है। और उनको जो भी जानकारी है, उनको इन्फॉर्मेशन के लिए आप मोबाइल ऐप है ही तो उससे जानकारी दी जाती है। सेलेक्टेड 50 फार्मर्स को गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने सेंट्रल केंद्रीय औषधि एवं सैगंध पौधा लखनऊ में भी ट्रेनिंग दिलवाई है। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। और अराउंड मोर देन 900 हेक्टेयर्स जो जमीन है उस पर औषधीय हर्बल पौधे लगवाए गए हैं, कृषि का कार्य ये करवाया गया है। तो वो बहुत एम्प्लॉयमेंट देगा, प्लस रेवेन्यू जनरेट होगी। तो कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर्स विल डेफिनेटली इम्प्रूव, दिस इज आई वॉट आई थिंक। तो देखिए, वीट, राइस, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये तो हो ही रहा है, सब्जियां, फल, तो ये भी एक एडिशनल इनपुट होगा फॉर द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर फार्मर्स। तो हमने फार्मर्स के लिए बहुत सारी जो स्कीम चल रही है वो भी हमने देखी है। तो व्हाट वी हैव नाउ, राजस्थान स्टेट मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड, इसकी वेबसाइट को लेटेस्ट कर दिया गया है, इफेक्टिव हो गई है। सो वन कैन सी ईच एंड एवरीथिंग। आप भी, मैं पर्सनली आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी मौका लगे मिनिस्ट्री वाइज साइट को विजिट कीजिए, व्हाट आर द लेटेस्ट डेवलपमेंट, कुछ कुछ तो फायदा आपको होगा। स्टेट में मसाला बोर्ड यानी स्पाइस बोर्ड का गठन कर दिया गया है। तो मसालों में भी हम लोग जाने जाते हैं।
तो इसमें राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधीन मसालों के प्रोडक्शन पे, उनकी मार्केटिंग पे, एक्सपोर्ट यहाँ से करना, उस पर भी एक अलग से स्पाइस सेल मसाला प्रकोष्ठ बना दिया गया है। इसमें 22 पोस्ट अभी इनिशियली रखी गई हैं, धीरे धीरे और ये आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी बात हुई हमारे हर्बल प्लांट्स की, स्पाइस बोर्ड की, राजस्थान स्टेट मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड की, ये सारी बात हमने की है। देन नेक्स्ट, अब एक प्रॉब्लम फिर भी हमारे लिए हमेशा रहती है, वो क्या है बता सकते हैं? ड्रॉट, अकाल, उसकी बात की जाए तो हाउ टू मैनेज दैट। अब देखिए, नेचर से नो वन कैन फाइट, बट वी कैन मैनेज द सिचुएशन। हमको अकाल राहत कोष को मजबूत करना पड़ेगा जब हमको मालूम है कि वी आर प्रोन टू ड्राउट। अब एक इसके लिए आपदा मोचन निधि का गठन किया गया है, इसमें कृषि आदान अनुदान की हमने राशि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान देती है। SDRF यानी राज्य आपदा मोचन निधि अलग से है, इसमें 75% हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, 25% हिस्सा इसका स्टेट गवर्नमेंट देती है, किसानों को देगी है। तो ये बेसिक से आई एम अवेयर दैट आपको मालूम होगा, बट इट इज़ बेटर टू डिस्कस, एक बार बात चल जाए तो बहुत अच्छा रहता है, दिस इज व्हाट आई फील। इसमें क्या होगा, कृषि अनुदान का वितरण होगा, पीने का पानी का ट्रांसपोर्टेशन होगा, जैसे आपने कई बार देखा होगा सुना होगा कि वाटर ट्रेन भी राजस्थान में भेजनी पड़ जाती है अपने को, और सबसे बड़ी मुश्किल आती है हमारे कैटल को, उनको कैसे बचाया जाए, पशु संरक्षण गतिविधियाँ होंगी, इसमें ज़रूरत के हिसाब से उनको मैनेज किया जाएगा। और अभी आज की तारीख में SDRF में काफ़ी अच्छा अमाउंट हमारे पास है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और दूसरा, आइए दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, जिन डिस्ट्रिक्ट में किसान भवन नहीं है वहाँ पर किसान भवन बना दिए जाएंगे, ये भी काम चल रहा है। सो यू सी वी आर डिस्कसिंग ऑन मैनी फ्रंट्स, नॉट अलोन एग्रीकल्चर, नॉट अलोन गवर्नमेंट पॉलिसीज, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिस्कस, आई वांट टू इलेबोरेट द प्रेजेंट सिनेरियो, सारी बातें आपको ऑथेंटिक में आपको बताना चाहता हूँ। जितने भी मंडियां हैं अभी पूरे राजस्थान में, वट एवर दे आर डीलिंग, चाहे वो बीट है, चाहे राइस है, चाहे वट एवर शुगर केन, फ्रूट्स, फ्लावर्स, जो भी हैं, उन सबको हमने क्या किया है, हमने मीन्स गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने ई मंडी में पलट दिया, उनको बदल गई है, प्रदेश की सभी कृषि उपज मंडियों को चेंज कर दिया गया ई मंडी, यानी वह सारा आपका वाईफाई वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक और सारा आपका इंटरनेट वगैरह फैसिलिटीज़ उनको ट्रेन कर दिया गया। और क्या किया है, 144 मंडियों को ई नाम पोर्टल से भी कनेक्ट किया है, इससे करीब मोर देन 14 लाख फार्मर्स को बेनिफिट हुआ है। अब देखिए, फार्मर्स का मतलब आप खाली ये मत लगाइए कि जो लोग बारानी काम कर रहे हैं खेती बाड़ी, पोल्ट्री फार्मर्स भी किसान हैं, शीप गोट वाले भी एक तरह से किसान वाली कैटेगरी में आते हैं, एनिमल हस्बेंड्री वालों को भी हमने इसमें ही शामिल कर रखा है, तो उनको भी लगभग लगभग वही बेनिफिट मिल जाते हैं। ओके, एक किसान आयोग की बात चल रही है, किसान आयोग को इफेक्टिव और सक्रिय करना, एक्टिव करना, जो फार्मर्स की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकाले, सरकार को सजेशंस दे, और एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी इनमें रखा गया है, उनकी भी भागीदारी है, तो वो किसानों की समस्याओं को बेटर समझेंगे और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को कन्वे करेंगे। देखिए, एग्रीकल्चर एज यू नो इज अ वेरी ऑनरेबल प्रोफेशन कहूँगा मैं, वह बहुत मुश्किल है, जानवरों की बड़ी प्रॉब्लम है, ये खड़ी फसल को भी चट कर जाते हैं, तो जानवरों की और रोजड़े जो होते हैं यहाँ पे किसानों की फसल को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं, इसके लिए भी हमें एक एक्शन प्लान बनाया है। इसमें क्या किया जा रहा है, तारावंदी के लिए पैसा मिलेगा किसानों को, वायर लग जाएगा और वो आपके, क्योंकि रात को तो देखिए बड़ी मुश्किल होती है, समझ में नहीं आता, अंधेरा होता है, तो ये सारा तारावंदी से जो जानवरों का अटैक होता है खड़ी फसल पर वो रुक जाएगा। और क्या करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट और क्या कर रही है, किसान और पशुपालन नीति बना रहे हैं, जिसमें क्या किया जाएगा, हम अब लास्ट में पहुंच गए इस टॉपिक के, खाद, बीज, कर्जा, फसल बीमा, बिजली की मैंने आपको बताई है 12,000 का सब्सिडी मिलेगी, मिट्टी की गुणवत्ता,
पशुपालन अधिकार आदि सम्मिलित होंगे। तो थोड़ा सा हम इस पर बात कर लेते हैं। खाद डीएपी आती है, यूरिया चलती है, ये तो ये ध्यान रखने की बात है। बीज हाई यील्ड वैरायटी सीड्स है, ऐसी टेक्निक आ गई है कि हाई यील्ड वैरायटी, जैसे अजमेर में तबीजी में संस्थान है मसाला, तो ऐसा प्रोडक्शन होगा कि वो बीज इस कैटेगरी के तैयार कर रहे हैं कि बहुत कम पानी में और बहुत क्विकली उनकी ग्रोथ होगी। फसल बीमा इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, कि फसल का बीमा हो गया तो वो सिक्योर है हमारा फार्मर। क्यों हम चाहते हैं कि फसल का बीमा हो वे, उसका प्रीमियम भी सरकार भरे, वो हो जाएगा तो एक सिक्योरिटी है। आपके वाटर की प्रॉब्लम, इरिगेशन जहाँ जहाँ भी पहुँचा सकते हैं कोशिश है। बिजली का मैंने आपको बता ही दिया। मिट्टी की गुणवत्ता के लिए कई जगह पे तो जिप्सम का ट्रीटमेंट देना पड़ता है, कई जगह पे एज पर द स्पेशलिस्ट कैल्शियम का ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है, क्योंकि हमारे आप समझ सकते हैं मिट्टी की, हम जब बात करेंगे ज्योग्राफी वाले उसमें वीडियोस में, एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत है, अल्कलिनिटी की भी प्रॉब्लम कई जगह पे देखी जाती है। तो ये दोनों ही हम फेस करते हैं, तो इन दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है, वो सॉइल के स्पेशलिस्ट होते हैं। तो फार्मर्स को आजकल तो एम्बुलेंस भी, मतलब आई मीन टू से वैन जाती है, तो वो टेस्टिंग वहीं हो, सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटी है, तो वो सारा काम होता है। दूसरा, पशुपालन के अधिकार भी सम्मिलित किए जाएंगे। एनिमल हस्बेंड्री इज ऑल्सो वन ऑप्शन अलॉन्ग विद द क्रॉपिंग, मतलब इधर आप हमारा किसान खेती बाड़ी कर रहा है, इधर कुछ एनिमल्स भी इनकम आती रहती है। तो ये सारे, ये देखिए ये कनेक्टेड रूरल लाइफ है एक तरह से, तो हमें एक नहीं कई अनेक उसके इनकम के जरिए सोचने पड़ते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। अब नेक्स्ट वीडियो में आई एम प्लानिंग टू डिस्कस यू विद पंचायती राज की डेवलपमेंट्स क्या हुए, पंचायत राज क्या होता है, रूरल डेवलपमेंट कैसा होता है, लैंड रेवेन्यू और लैंड रिफॉर्म्स के क्या क्या प्रोग्राम हुए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात करेंगे। सो विद दिस आई एम विद यू भुवनेश्वर माथुर। प्लीज़ यू कैन व्हाट्सएप मी, मेरा नंबर भी इस पर आता है, कोई आपको लगता है सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे को दीजिए। आई अवेट योर सजेशंस। शेयर कीजिए इस वीडियो को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलियन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गुड लक टू यू। आई एम विद यू भुवनेश्वर माथुर। थैंक यू।